तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर कई दिनों से लीक आ रही है कि Redmi का फ्लैगशिप ये जो स्मार्टफोन है फ्लैगशिप, तो ऐसे में ये अभी जो इसके स्पेसिफिकेशन धीरे धीरे बाहर आ रही है तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। प्राइस भी जो है काफ़ी अच्छी होगी, मुझे लगता है शायद से इंडिया के अंदर ये पोको F2 के नाम से आने वाला है, क्योंकि प्राइस रेंज और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो पोको F2 से मैच करती है। तो इस वीडियो में आपको इसी स्मार्टफोन की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरा नाम है विनय चरे और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विनचारी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो होगा 6.39 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले के थोड़े नीचे आते तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू पोको F1। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 855। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ में ये स्मार्टफोन आएगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। अभी जो प्राइस है वो बताई जा रही है कि इसकी प्राइस होगी 20 से 25 हज़ार के अंदर। तो इतनी प्राइस के अंदर अगर ये स्मार्टफोन आ जाए तो काफ़ी कमाल हो जाएगा, क्योंकि OnePlus 7 और 7 Pro आपको ये सारी स्पेसिफिकेशन 50 हज़ार के अंदर देता है, और ये स्मार्टफोन आपको 25 हज़ार के अंदर देगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर मैं बात करूँ कैमरा की, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है। जो सबसे पहला कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलेगा। दूसरा होगा 8 मेगापिक्सल का और तीसरा होगा 13 मेगापिक्सल का। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छा होने वाला है। और यहाँ पर जो पॉपअप सेल्फी होगी उसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो बैटरी है वो बताई जा रही है कि बैटरी आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम मिलेगी, वो होगी 3700 mAh की। तो यहाँ पर आपको टाइप सी का भी सपोर्ट मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल स्मार्टफोन है और इस प्राइस के रेंज के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया ही है। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको 9 Pie मिलेगा, इसके साथ MIUI 10 जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो लॉन्च डेट है इस फ़ोन की वो होगी मई में, तो मई में जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। और इंडिया के अंदर भी आपको मई के महीने में ही देखने को मिलेगा। तो प्राइस मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे बताना नीचे कॉमेंट्स में। और काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और बस इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।